बिलोंग, इस मसाले के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है कि अगर आप खाना बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो भी आप अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए लौंग का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। भाई बिरयानी का स्वाद बढ़ाने से लेकर चाय को कड़क बनाने तक के लिए लौंग का इस्तेमाल होता ही है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाली ये छोटी सी लौंग आपकी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। आपको बता दें, लौंग में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम आदि शामिल है। यही वजह है कि खासकर घरेलू नुस्खों के तौर पर शक्तिशाली यौगिकों से भरपूर लौंग का इस्तेमाल कई समस्याओं से निजात पाने के लिए किया जाता है। सर्दियों के मौसम में लौंग का सेवन करने से सर्दी खांसी से बचा जा सकता है। वैसे तो लौंग स्वाद में तीखी होती है, लेकिन सिर्फ दो लौंग चबाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में फायदा होता है। वहीं इसमें मौजूद यूजेनॉल के कई दूसरे फायदे भी है। क्या है वो फायदे, आइए जानते हैं देश भर के काबिल और प्रसिद्ध हकीमों में से एक, हकीम सुलेमान खान जी से। हाँ, देखिए लौंग बहुत फायदेमंद औषधि है। लौंग का मिजाज गर्म होता है और मामूली खांसी की तकलीफ, एक लौंग अगर मुंह में डाल लो तो खांसी या गले की खराश जाती रहती है। लौंग बेहिसाब गर्म अशिया में से है और लौंग हाजमा भी करती है और आँखों को तेज़ भी करती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, सिर्फ एक दो लौंग आदमी खा सकता है। ये आदमी के जिस्म में गर्माई लाती है और अगर एक दो लौंग इस्तेमाल करें तो शबाब आवर भी है, औरतों और मर्दों के चेहरे पर शबाब भी लाती है। मर्दाना ताकत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी तादाद सिर्फ एक या दो लौंग ही रहेगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। और लौंग का तेल भी आदमी इस्तेमाल करता है अपने दांतों की तकलीफ में, अक्सर आपने देखा होगा कि लौंग का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है।